तुम्हारे घर वाले मेरा मतलब है सलमान भाई तो नहीं करेगा? पहली बात वो अमेरिका है, कोई बिजनेस डील क्रैक कर रहा होगा। दूसरी बात, मेरे दोस्तों उससे मिलने जुलने से आई थिंक उसको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या अलग है मुझमें जो तुम्हारे किसी और दोस्त में नहीं? उससे क्यों दोस्ती करना चाहती हो तुम? हाय अदील। ओ हाय नताशा। अकेले आए हो? रुबाब कहाँ है? आई नो, घर होगी या ऑफिस होगी। कैन आई सिट? कोर्स प्लीज। श्योर। तुम्हारे फादर को सुना था, अब कैसे हैं वो? बेहतर है, थैंक्स। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ, सलमान कैसे? हाँ ठीक है, वो भी किसी ऑफिस के काम से आज ही दुबई गया है। वैसे आज मेरे दोस्त ने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? वो तो तुम्हारे साथ साए की तरह रहती है। ओह, जिक्र की और देखो कॉल आ गई है। भाई लंबी उम्र है। हाँ जी, हेलो। हाँ बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, सी यू। ऑल गुड? हाँ नताशा, अगर मैं तुमसे अगर एक फेवर मांगूँ तो पॉसिबल होगा? ऑफ कोर्स। क्या ये मुमकिन है कि तुम रुबाब से कुछ जिक्र ना करोगे? तुमने मुझे यहाँ देखा था, उसे नहीं मालूम मैं यहाँ आया हूँ। हाँ 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 पॉसिबल है, मैं नहीं बताऊंगी। थैंक्स। कुछ गलत मत समझना, मैं बस बहुत स्ट्रेस में था इसलिए यहाँ अकेला आ गया। अदील डोंट वरी, मैं रुबाब को कुछ नहीं बताऊंगी, और वैसे मुझे रुबाब का पता है, उसके टेंट्रम्स का भी। वो जरा सी बात का भी पतंगड़ बना देती है, बहुत कंट्रोलिंग है मेरी दोस्त। टेल मी अबाउट इट। वैसे मैं अच्छी राजदार हूँ, अगर कोई उलझन है तो यू कैन शेयर इट विद मी। मैं रुबाब की अच्छी दोस्त हूँ तो मैं फिर आपकी भी अच्छी दोस्त हुई। थैंक्स, लेकिन ऐसा कोई उलझन नहीं है। चल दाशा, मैं निकलता हूँ, आई हैव टू बी समवेयर। It was nice seeing you. Same. Bye. Goodbye. Okay. तो ये बात है, लगता है रुबाब की जन्नत में अब कुछ भी परफेक्ट नहीं है। लगता है अदील भी रुबाब के बॉसी और एरोगेंट एटीट्यूड से तंग आ ही गए हैं। वाओ, रुबाब को संभालना आसान काम नहीं है। उसकी अपने सगे माँ बाप से नहीं बनती है, इसलिए वो यहाँ पे अकेली रहती है। Really? हाँ, उसकी जिंदगी में मैं और सरफराज उसके दोस्त हैं, क्योंकि हम तीनों बचपन से साथ पढ़े हैं, नर्सरी से, इसलिए हमारे अंदर वो स्टैमिना है कि हम उसका ये एटीट्यूड, बॉसी एटीट्यूड, कंट्रोलिंग एटीट्यूड बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक किस्सा मुझे याद है, जब हम ए लेवल्स में थे तो रुबाब का एक बॉयफ्रेंड था, वो लड़का और रुबाब बहुत सीरियस थे, लेकिन एक दिन उस बेचारे ने स्कूल में किसी लड़की से मुस्कुराकर बात क्या करी, सीरियसली रुबाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसने उसका लड़की का सर फाड़ दिया। हाँ, खतरनाक वाली कंट्रोल फ्रीक बन गई और अपने बॉयफ्रेंड का सबके सामने गिरेबान पकड़ लिया, उसका ब्रेकअप हो गया, उस लड़के ने स्कूल भी छोड़ दिया। अभी तो दोस्ती की शुरुआत है, और कितनी खूबियाँ हैं मुझ में ये तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अभी और खूबियाँ खुलनी हैं? मैं तो ऑलरेडी बहुत इंप्रेस्ड हो चुका हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तुम बताओ, कल रात को जो हमने इतना खाया पिया था ना,
बस वही कैलोरीज बर्न कर रही हैं। आई मीन जिन वैसे तुम इतनी डाइट और फिटनेस कॉन्शियस और तुम्हारा हस्बैंड तो बिल्कुल ऑपोजिट, ये कैसे? यार ऐसा ही है, सलमान इज वेरी फूडी एंड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ एंड डाइट। अच्छा ये बताओ हम कब मिल रहे हैं? क्यों आके डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम और मुझे डिस्टर्ब करोगे? तुम्हारे आने से मुझे खुशी मिलती है दीन। तुम्हारे घर वाले मेरा मतलब है सलमान मणि तो नहीं करेगा? पहली बात वो अमेरिका है, कोई बिजनेस डील क्रैक कर रहा होगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों उससे मिलने जुलने से आई थिंक उसको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। आ जाओ बैठो। हाँ हॉल ओके? हाँ रात पूछ रहा हूँ नताशा, रफ, वेरी वेरी रफ डे। तुमसे अगर शेयर किया तो मैं फिर से अपसेट हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या अलग है मुझ में जो तुम्हारे किसी और दोस्त में नहीं? उससे क्यों दोस्ती करना चाहती हो तुम? तुम अदील हो, मिस्टर परफेक्ट, इतने हैंडसम, चार्मिंग, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो तुमसे दोस्ती ना करना चाहे? ऊपर से तुम्हें बात करने का ढंग आता है। मैं तुमसे जब भी मिलती हूँ ना उसके बाद दिनों तक उस मुलाकात के शहर से नहीं निकल पाती। क्या तुम ये सब मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रही? नहीं मैं तुमसे वाकई सच बोल रही हूँ। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शानदार मर्द अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। रुबाब लकी है जो उसे तुम जैसा बेहतरीन और शानदार हस्बैंड मिला। आई एम जेलस्ड। अच्छा ये बताओ क्या लोगे? टी कॉफी? ब्लैक कॉफी। ओके मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम रेस्ट करो मैं लेकर आती हूँ। जल्दी है